लफ्जों में कहां, दिलों की होती है जुबान, वो जानते ही नहीं ऐसे होती है नजरों से बयां। जरा जरा सी आग है यूं अपने दिल को थाम ले, तू रोकता है क्यों भला, कुछ ही देर में एम्बुलेंस पहुंचती होगी, सब ठीक हो जाएगा। अभी ठीक हो जाएगा, मैं टेंशन में सुबह दवा खाना भूल गई थी। तुम बहुत पछताओगी। नहीं पछताऊंगी दादा, तुम नहीं रह सकती। नहीं रह लूंगी मैं। परेशान हो जाओगी। नहीं होंगी परेशान मैं। अब देख लिया इसका नतीजा। हर जगह तुम अपनी मर्जी नहीं चला सकती। मुझे गुस्सा आ जाएगा, बात मत करो मुझसे, तुम्हारा खिलौना नहीं हूँ मैं। अरे हम तो जैसे गए थे वैसे ही आ गए, वो सब गलतफहमी थी। वैसे ये दोनों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। अजमी साहिबा ने जैसे ही उन दोनों को वहां बुलाया, हमारे दामाद हैरान रह गए देख के हमें। एमएनए आपा, उस घर में जो वो औरत दारिया है ना, असल फसाद की जड़ वही औरत है उस घर में। सही कह रही हो, बिल्कुल ठीक कहा, शैतान है वो। तुम देखना एक दिन जिंदा ना दफना दिया उसे तो। ईमान से बाबा तो बहुत गुस्से में थे, मुझे तो लग रहा था किसी का कत्ल ही ना कर दें। एमने जी बोले। मेरे हाथ में एक छोटा सा बॉक्स था, मैंने पता नहीं कहाँ रख दिया है, देखा है तुमने? नहीं मैंने नहीं देखा, क्या था उसमें? अरे इस घर में अगर कोई चीज रख कर भूल जाओ तो हाथ धो लो उससे, क्या जन्नत है इस घर में। क्या उसमें कोई बहुत कीमती चीज थी? हाँ बहुत कीमती चीज थी। क्या था? कब्र की मिट्टी। तौबा अस्तग़फ़ार, पता नहीं कहाँ रख दी। अच्छी तरह याद है मुझे घर में ही लेकर आया था, लेकिन पता नहीं कहाँ चली गई। देखो कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो बिल्कुल, वो दिल से बुरा नहीं कहते, बस हो जाता है। हाँ वो भी आखिर क्या करें, हर सुबह परेशानी से शुरू होती है उनकी। हैं? चल हंस दे। चला जा। हयात मैडम, ये आपका है। ये मेरा नहीं है। आप ये रहने दें, मैं फ्राई कर देती हूँ इसे। नहीं मैं अपने हाथों से खुद दादी के लिए बनाना चाहती हूँ। ठीक है मैडम। क्या जल रहा है किचन में, हर जगह बदबू फैली हुई है। क्या आपको ये खुशबू बदबू लग रही है? हयात मैडम, तुम्हें ये आदत छोड़नी होगी जो तुम अपनी माँ के घर से लाई हो। मैं जानती हूँ ये मुश्किल है, लेकिन छोड़नी पड़ेगी तुम्हें। क्या बुराई है मेरी माँ के घर में? मैंने कब कहा कि कोई बुराई है? अगर तुम ऐसी खाना बनाती रही तो मुझे बाहर खाना खाना पड़ेगा, जो कि मुझे पसंद नहीं, तो लिहाजा खाना पकाना छोड़ दो तुम। हाँ अरे वो देखो, नकेट्स तो जला दिए तुमने। लगता है खाना पकाने के लिए तुम्हारी माँ को बुलाना पड़ेगा, तुम्हें तो कुछ आता नहीं। जिन्हें कुछ नहीं आता वो सिर्फ बातें करते हैं। मेरी माँ को बुलाना चाहती है ना यहाँ? हाँ रुके रुके, ऐसा करती हूँ दादी को बुलाती हूँ। लेकिन दादी से तो आपकी बनती ही नहीं है, तो किसी अखबार वाले को बुलाएं, उसे बुलाकर दिखाएं और बोलें आज की हेडलाइंस में ये लिखो कि सलमान खानदान की बहू ने खाने में क्या बनाया है, ये कैसा रहेगा। वाओ क्या जबरदस्त खुशबू आ रही है, क्या बनाया तुमने? लेकिन अभी हम लेट हो रहे हैं, ऑफिस जाके साथ खाएंगे। तुम ऐसा करो उसे पैक कर लो, ठीक है? बस थोड़ी देर और, मैं अभी लेकर आती हूँ। ठीक है, ऑफिस के लिए देर हो रही है, तुम इन्हें पैक करके ले आओ जल्दी।
आइए। अजमी मैडम सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, ये आपका है? क्या है ये? पता नहीं शायद आपका है। और कॉफी लेंगे आप? ठीक है ला दो, अब तुम जा सकती हो। ये क्या है? याद नहीं तुमने कहा था कि ऑफिस जाकर खाएंगे? मुझे नहीं खाना, तुम ले जा सकती हो। लेकिन क्यों? तुम जानती हो कि मैं क्यों नहीं खा रहा। नहीं समझी मैं। दारिया माओं की बातें मैंने सुन ली थी, इसलिए वहां आके सब कह दिया मैंने, तो लिहाजा आप इसे ले जाएं। हाँ कितनी बेवकूफ हूं ना, जानती हूँ फिर भी धोखे में आ जाती हूँ मैं। नहीं आप तो बहुत स्मार्ट लड़की है मिस हयात। मेरी दादी के दिल तक पहुँचने का ये बहुत अच्छा आइडिया है। खुद नहीं गई थी, बुलाया था उन्होंने। हाँ मैं जानता हूँ, ले जाओ ये सब यहाँ से। तो ठीक है मुराद। क्या बचपना है, क्या किया तुमने? एक पागल बीवी की एक्टिंग कर रही हूँ, क्यों तुम्हें पसंद नहीं आई? ओ एक्टिंग कर रही हो, मैं करके दिखाता हूँ तुम्हें। देखो देख लिया, ये एक जिद्दी शोहर की एक्टिंग थी, पसंद तो आई होगी तुम्हें। अगर एक्टिंग करनी है तो आधी नहीं पूरी करो, अगर कुछ बर्बादी करना है तो पूरी तरह से करो। आप परेशान ना हो, मैं आइंदा ऐसा ही करूंगी, हर चीज तोड़ दूंगी मैं। क्या हुआ, ठीक तो? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? बस ऐसे ही, तुम ठीक तो हो? हाँ बस गर्दन में थोड़ा सा दर्द है, तुम बताओ कैसे आना हुआ? हयात एक बहुत ज़रूरी काम है तुमसे। कहो असली। कल रात मैं उस बेहुदा गज़ल के बारे में सोच रही थी। क्या? हमें उस बेशर्म लड़की का चेहरा बेनकाब करना होगा। क्या उसने नकाब पहना है असली? हर किसी ने नकाब पहना होता है हयात, थोड़ा बहुत तो हमने भी। ठीक है लेकिन अभी मैं कुछ करना नहीं चाहती क्योंकि मेरी गर्दन में बहुत दर्द है। जब हम ये काम कर लेंगे तो तुम पुरसकून हो जाओगी और तुम्हारा मूड भी यकीनन अच्छा हो जाएगा। चलो मेरे साथ आओ, कहीं सर जोड़ कर बैठते हैं और अपने खुफिया मिशन का आगाज करते हैं। चलो अच्छा आइडिया है। यार करीम ये बहुत अहम इवेंट होगा, मैं बता रही हूँ। हमारी कॉस्मेटिक कंपनी वो प्रोडक्ट बनाएगी जो आज तक कभी भी किसी ने नहीं बनाया। हाँ हाँ हाँ, वो काम तो मुराद भी कर लेगा। यार करीम तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, टूअल अकेले हैंडल कर लेगी। वो क्या है कि मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा, क्यों नहीं समझ पाया मैं? तुम बताओगे क्या नहीं समझ पा रहे हो करीम? दारिया घर पर है, क्या वो उसी घर में रहेंगे? वो तो रोज लड़ेंगे आपस में, वो साथ नहीं रह सकते कभी। करीम हाँ? मैं तुम्हें कुछ बताऊं क्या? हाँ हाँ बताओ मुझे। अब तक वहीं अटके हो, मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो हमसे छुपा रहे हैं, बता रहा हूँ तुम्हें ये बात। मैं कितनी बार कहा है मैंने तुमसे, वाकई
3 महीने हो गए हैं। यही देख लो, एक नई गर्लफ्रेंड जिसका कोई पता नहीं कि कहां से आ गई। मैं ये बच्चा पैदा करूंगी, हाँ करूंगी, देखना। उम्मीद है कि वो मूंछों के साथ तुम्हारे जैसा ही पैदा होगा, खुदा करे ऐसा ही हो। हाँ हाँ इंशाल्लाह। क्या क्या कहा तुमने, बच्चा मूंछों के साथ? हाँ। एपिक क्यों मजाक कर रही हो तुम मुझसे? बिलाकर तुमने मेरी सुनी तो। एपिक, मैं तो यहाँ सिर्फ तुम्हारी सुनने के लिए बैठा हूँ। करीम, कुछ हुआ था क्या? लेकिन मुझे क्यों याद नहीं आ रहा? क्योंकि तुम अहमक हो इसलिए करीम। अरे क्या हो गया, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। एपिक, या अल्लाह ये मेरा पर्स कहाँ चला गया? अरे अरे रुको, कहाँ जा रही हो, अकेली चली जाओगी क्या? एपिक अब जाके मनाओ जल्दी। हाँ, अरे ये देखो मिल गया, ये रही इसकी फेसबुक प्रोफाइल, फ्रेंड लिस्ट देखती हूँ इसकी। तुम्हें यकीन नहीं आएगा, ये भी एक नर्स है। तुम सीरियस हो? सच कह रही हूँ, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, तुम भी तो उसके म्यूचुअल फ्रेंड्स में हो शायद। अरे आलिया, ये लड़की तो हमारे हॉस्पिटल की ही नर्स है। किसको मिला रही हो? रुको देखती जाओ। किससे बात कर रही है ये? इसकी एक हॉस्पिटल की फ्रेंड है, फोन नहीं उठा रही। हेलो आलिया, कैसी हो तुम? असली बोल रही हूँ। मैं डायरेक्ट अपने मुद्दे पर आती हूँ जिसके लिए मैंने फोन किया है तुम्हें। मसरूफ तो नहीं ना, इसे हो क्या गया है? मैंने गजल नामी लड़की का प्रोफाइल देखा है जो हमारी कॉमन फ्रेंड लिस्ट में है। वो भी नर्स है यहाँ पर। तुम क्या मुझे गजल के बारे में कुछ बता सकती हो? क्या कह रही हो तुम, ऐसा कैसे? सही कहा तुमने। पता है उसने क्या कहा? उसने कहा अपने शौहर को गजल से दूर रखो वरना उम्र भर पछताओगी और रोती रहोगी हमेशा। उसने तो और भी बहुत कुछ बताया था उस बारे में, लेकिन मैं मजीद कह नहीं सकती। मेरा ख्याल है तुम समझ गई होगी। मुझे जो अपने सामने नजर आ रहा है, अगर तुम लोगों ने देखा तो देखकर हैरान रह जाओगी। क्या हुआ? वो देखो सामने कौन है। अब तुम लोग मुझसे पुलिस स्टेशन मिलने आए। रुको तो हया, कहाँ जा रही हो हयात? मैं उसके सर के सारे बाल नोच के उसे गंजा कर दूंगी, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। तुम लोग छोड़ो तो मुझे एक मिनट। इसको काबू में करो, ये कहीं गुस्से में कुछ कर ना दे। मुझे क्यों रोक रही हो, उसे जाकर पकड़ो ताकि मैं उसे खूब पीटूं। बस एक बार मुझे छोड़ दो, फिर देखना मैं उसका क्या हाल करती हूँ। हयात ठंडी हो जाओ डियर, तुम्हारा शौहर यही है और तुम्हारा कुछ करना मुनासिब नहीं। अपने एटीट्यूड में रहो मैनेजर। बिल्कुल सही कह रही हो, अब मैं उसे इज्जत की मार मारूंगी। गजल, खैरियत तो है, तुम दुरूप से मिलने आई हो? नहीं, मैं मुराद भैया से मिलने आई हूँ, शायद गलत फ्लोर पर आ गई। अरे ये तो बहुत अच्छा इत्तफाक हुआ, तुम भी आओ हम सब भी आए, चलो साथ खाना खाने चलते हैं। और वैसे जब हम साथ मिलकर बैठेंगे तो हम पिछली बातों को भुला सकते हैं, क्यों? ठीक कहा ना? नहीं इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि बात करने के लिए कुछ है ही नहीं। बिल्कुल नहीं, मुझे बहुत दुख हुआ। क्या तुम मुझे दुखी करना चाहती हो? तुम अपने मुराद भैया से बाद में भी मिल सकती हो और कभी कभी एक साथ बैठकर एंजॉय भी कर लेना चाहिए, है ना लड़कियों? ये चीज तुम्हारी खूबसूरती के आगे कुछ भी नहीं, लेकिन इससे ज्यादा खूबसूरत चीज मैं नहीं ढूंढ सका।
दारिया, क्या कर रही हो तुम यहाँ खड़ी होकर? कुछ नहीं, बस यादों से आपकी वापसी का इंतजार हो रहा है। इन बातों को लेके मैं आजकल बहुत परेशान हूँ। अच्छा होगा कि आप मुझे खुद बता दें कि सब क्या चल रहा है। अब कौन सा जहर घोलना चाहती हो तुम? हाँ, हयात और मुराद, क्या वो मुस्तकिल यहीं रहेंगे? क्या कल रात की बातें तुमने सुनी नहीं थी? सुनी तो थी, इसीलिए मैं आपको कामयाब नहीं होने दूंगी। आपका ख्याल है कि आप मुझे परेशान करेंगी और मैं डर कर ये घर छोड़कर चली जाऊंगी, ताकि ये पूरी जायदाद आपके लाडले पोते की हो जाए ना? ये तुम्हारी सोच है। बरसों से आप दुरुग के साथ यतीमों जैसा सुलूक कर रही हैं। ये सोचा कैसे तुमने? अजमी साहिबा, लिहाज करें अपनी उम्र का, ज्यादा दिन नहीं छुपेगा। जो डिब्बा आपने पीछे छुपा रखा है क्या इसके अंदर? दिखाएं तो सही। दूर रहो। कहा ना, दूर रहो। अजमी साहिबा, आप तो डर गई। यकीनन मैं नहीं छीनूंगी, लेकिन थोड़ी देर के लिए इंजॉय तो करने दे। तुमसे बात करके मैं अपना मुंह गंदा नहीं करना चाहती। तो फिर मुझे कहने दे, जो दिल चाहे कर ले आप, दुरुग को उसका हक दिलवा कर रहूंगी मैं। चलो बोलो। क्या बोलूं मैं? तुम जानती नहीं हो शायद, बहुत खतरनाक है ये। मैं तो ऐसा कुछ नहीं कर रही। ज्यादा चालाकी मत दिखाओ। दुरुग ने छोड़ दिया क्या? मेरा दुरुग से कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, इसीलिए तो तुमने मुराद को फंसाने का सोचा। दुरुग हाथ नहीं आया तो मुराद पर डोरे डालने लगी। कुछ गलत कहा। लेकिन तुमने देर कर दी स्वीटहार्ट, मुराद शादी कर चुका है, ये है उसकी निशानी। हयात, तुम मुझे गलत समझी। हम क्या गलत समझे, जरा बताओ हमें, ताकि हम भी समझ सके। तुम्हारा मुराद के साथ क्या चक्कर है? जैसा तुम लोग सोच रहे हो, मेरा मुराद के साथ ऐसा कुछ नहीं। सच सच बता दो वरना बहुत बुरा होगा। समझ गई। कसम से कुछ नहीं है। तो फिर मुराद के इर्द गिर्द चक्कर लगाने की वजह क्या है? मुराद, बताने में मसला हो रहा है क्या? मुराद, मुराद भाई है मेरा। मजाक कर रही है। मगर रात की माँ तो मर चुकी है और वो उसे ढूंढ रहा है। मेरी माँ खुद को मरा हुआ जाहिर करना चाहती थी। आपको पता है ये सब? उसे भी मालूम है। सच सच बताओ। मैं झूठ नहीं बोल रही, सच कह रही हूँ।
तो मुराद का बदलता रवैया इसलिए था। जो मैंने बताया है तुम लोगों को वो मेरे भाई को मत बताना। जान को ही आ गए हैं ये हशमत उजम साहब। कैसे जान छुड़ाऊं इनसे? The person you've called is temporarily not available. Please try again next year. अरे, टूवल, बात सुनो। The person you've called is temporarily not available. अरे बस करो यार, मैं तुम्हारी आवाज खूब पहचानता हूँ। उफ यार, हर कोई मुझसे यही बात कहता है। अच्छा छोड़ ये बातें, काम की बात सुनो। मैं तुम्हें एक बहुत राज की बात बता रहा हूँ, इसकी किसी को भी कानो कान खबर ना हो। फरमाइए क्या बात है हशमत साहब? अरे मेरा नाम नहीं लेना वहाँ पर, अगर कोई आसपास है तो दूर हो जाओ वहाँ से। दूर चली जाऊँ मैं? दूर क्यों चली जाऊँ? हाँ ये क्या चक्कर है? आ समझ गई समझ गई, बेफिक्र हो जाए, वी आर सेफ। मैं दूर आ गई हूँ, आप बताएं क्या बात है। अच्छा वो गिफ्ट जो लाकर दिया था तुमने मुझे, बिल्कुल उस जैसा एक और चाहिए। Wow, आपकी कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं हशमत साहब? सबको खुश करने का इरादा है आपका। मजाक मत करो भाई, अभी बस समझ लो उस गिफ्ट के साथ एक मसला हो गया है, इसीलिए उस जैसा एक और चाहिए अर्जेंट। इतना अर्जेंट दूसरा कहाँ से लाऊं? ये काम तो बहुत मुश्किल है। नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही पीस था वो। मैं कुछ नहीं जानता, कुछ भी करो तुम्हें वो ढूंढना ही होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम वो ढूंढ लोगी। जब वो मिल जाए तो वैसे ही बॉक्स में पैक करवाना और वही जुमले लिखना और बॉक्स के अंदर चिपका देना। नॉर्मल तो हो ना तुम, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? तुम तो यहाँ से बड़े गुस्से में गई थी, चाय की ट्रे फेंक दी थी तुमने, ठीक तो हो ना तुम? कुछ मत बोलो, जाने दो सब कुछ। डिनर पर मिलते हैं रात को। चलो ठीक है। खूबसूरती के आगे कुछ भी नहीं, लेकिन इससे ज्यादा खूबसूरत चीज मैं नहीं ढूंढ सका। अस्मी साहिबा जबरदस्त, वो आदमी तो इनके पीछे पागल है। और इससे ज्यादा खुदा से क्या मांगू, शुक्र है उसका आज सारी फैमिली एक साथ है। अच्छा तो इसलिए आज आपने ये लगाया है? बहुत ही शानदार है। यकीनन बहुत महंगा होगा, नया लिया है आपने?
अगर ये गिफ्ट है तो बहुत अच्छी चॉइस है किसी की। तुम भी तो देखो ना हयात, कितना खूबसूरत है ये, कितना जच रहा है इनके ऊपर। हशमत साहब का दिया हुआ तोहफा। कैसा तोहफा? मैं अम्मी जान के ब्रोच की बात कर रही हूँ भाई, बताओ ना खूबसूरत लग रहा है या नहीं। दारिया फजूल बातें मत करो, समझ नहीं आता? फजूल बातें नहीं है, मैं तुम्हें हकीकत बता रही हूँ निजात। ये ब्रोच हशमत साहब ने गिफ्ट किया है इन्हें, और एक पैगाम भी लिखा है। ये रहा वो पैगाम। अच्छा तो तुम मेरे कमरे में गई थी दारिया, शर्म नहीं आई? मुझे क्यों शर्म आएगी, मैंने अपनी बहू के दादा से कोई गिफ्ट थोड़ी लिया है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा भाई, अच्छी चॉइस है, तोहफा देना बुरी बात नहीं है और ये दादी पर बहुत जचेगा। द्रुक, मतलब क्या है तुम्हारी इस बात का, क्या जचेगा? क्या तुम तमीज भूल गए हो? जिसके मुंह में जो आता है वो यहां बोल देता है। छोटे बड़ों की तमीज तो सभी भूल चुके हैं। हाँ तो क्या ऐसा ही है दादी जान? दादी जान आपसे पूछ रहा हूं, दादी जान बस करो मुराद, वो दादी है तुम्हारी, बाद में बात कर लेना। कहां ना तुमसे, ये हमारा खानदानी मसला है, बीच में दखल देने की जरूरत नहीं है। सुन लिया? हाँ ठीक कहा। भाई आपने ये क्या किया, कुछ ज्यादा नहीं हो गया था? देख रहे हो ना तुम दुरूप बेटा, कुछ भी करो सच एक ना एक दिन सामने आकर ही रहता है। शुक्रिया आपका सच बताने का, मैं आपकी बात सिर्फ इसलिए सुनता हूँ कि दुरूप मेरा भाई है। ओके आप कभी बात नहीं आएंगी, आप कभी नहीं समझेंगी, जो आपके दिल में आएगा वही करेंगी। ठीक है यार, छोड़ो ये सब कुछ, मैंने कहा ना छोड़ो। क्या होगा अगर नहीं छोड़ूंगी, मुझ पर चिल्लाओगे, जलील करोगे फिर से मुझे? ठीक है मैं सॉरी कहता हूं, मानता हूं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कहा था तुमसे कोई पेन किलर ले लेना। तुम्हें इससे क्या, मैं अपने किए की सजा भुगत रही हूं, मैंने अभी माफ नहीं किया तुम्हें। कमॉन हयात, मैंने अभी तुमसे माफी तो मांगी है ना। किस चीज की? हाँ हयात, वो सब कुछ जो तुम उन फजूल पर्चियों पे लिख कर आई थी, वो क्या लिखा था? मैं ये घर छोड़कर जा रही हूं, तुम खुश रहना अकेले, और इसके अलावा पता नहीं क्या कुछ लिखा था। वो बिल्कुल मजाक नहीं था। तो वो आपके दिल की आवाज थी? हाँ वो मजाक लग रहा था,
वो सब मेरे दिल की आवाज थी। ओह वाकई? यस सही है, मेडिसिन जो आपने मंगवाई थी। चलो मेडिसिन खाओ और वहां सो जाओ, मैं यहां सो जाता हूं। बात समझने की कोशिश करो हयात, मुझे उसकी गर्लफ्रेंड समझ रही है, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? कैसे पैसे लूं? मैं उसके करीब भी नहीं भटक सकती। अच्छा चिल्लाओ मत, ठीक है कल जाकर पूछूंगी। अस्मी, अस्मी साहिबा, हशमत साहब मुझे मिलना है आपसे आज ही। क्यों, क्या हो गया? बच्चों का मसला है कोई? नहीं, ये मसला हमारा है। यानी हम दोनों का मसला? ठीक है मिल लेते हैं, जैसे आपकी मर्जी। मुराद सर, आपका एक मेहमान आपके ऑफिस में इंतजार कर रहा है। ओके। गजल? बगैर बताए आने की माफी चाहती हूँ, लेकिन मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। बोलो। मुझे इसकी आदत नहीं है, समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ। घबराओ मत, कह दो। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। देखो तुम मुझे लेकिन गलत मत समझना, उधार मांग रही हूं मैं। लेकिन कितने चाहिए? 2 लाख रुपए। मैं जानती हूं बहुत ज्यादा हैं ये पैसे, लेकिन भाई मुझे अपने लिए नहीं चाहिए। ये पैसे माँ के कर्ज के लिए हैं, ताकि उनकी रूह कब्र में सुकून से रह सके। मैं आपके अलावा किसी और को जानती भी नहीं हूँ, लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं पाई पाई अदा कर दूंगी आपकी। ठीक है कोई मसला नहीं। जी तैमूर साहब कहिए। मुराद साहब, मैंने आपके कहने पर आपकी वालदा की फाइलें देख ली हैं। उनकी कोई बेटी नहीं, शायद उन्होंने गजल दुकान को खो दिया। क्या आप इस मामले को देखना चाहेंगे? जी हाँ क्यों नहीं। मुराद साहब, मैं एक और अहम बात कहना चाहूंगा। बोलिए, सुन रहा हूँ। अपनी बात यकीन है आपको? ठीक है
ओके, बाद में बात करता हूं। खुदा हाफिज। कोई बुरी खबर है क्या? पैसे तो मैं दे दूंगा तुम्हें, लेकिन तुम मुझे सच बताओगी कौन हो तुम, कहां से आई? इसका क्या मतलब? कौन हो तुम और ये सब क्या करने की कोशिश कर रहे हो? बोलो, सच बता दो, जितने पैसे चाहिए दे दूंगा मैं तुम्हें। यार लफ्जों में बहुत शानदार। ये मेरी माँ की निशानी है। कुछ ही चीजें हैं जो मैं आग से बचा पाई। एम्प्लॉय की पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती, मना है। वो लड़की जिसके साथ थी वो मेरी माँ है, मुझे उसका एड्रेस दे दीजिए। फिक्र नहीं करो तुम, मैंने गजल को ढूंढ लिया है, वो इसी बिल्डिंग में है। मैं जाकर लेती हूँ उससे पैसे। तुम मुझसे तलाक लेना चाहते हो? मेरे ख्याल से तुम्हें इन पेपर्स पर साइन कर देना चाहिए।